मैं दो मिनट में जो राज्य में वर्तमान एवं स्वास्थ्य विभाग को वो अपनी बात करें विषय वस्तु है, मैं समझता हूँ इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहाँ है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। जो VC आयोजित की है धर्म स्थलों को खोलने के लिए, जो सभी धार्मिक संतों महंतों और दरगाह और मस्जिदों के जो प्रतिनिधि है उनसे जो राय जानी है, उस राय में हमारे जो पुष्कर की जो स्थिति है वो सबसे विपरीत स्थिति है। पुष्कर एक मंदिरों की नगरी है, जहाँ घर घर में मंदिर स्थित है और सबकी आजीविका उन मंदिरों से ही चलती है। पुष्कर कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। जब आज पूरा देश अनलॉक हो गया, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही है, उद्योग खुल गए हैं, व्यापार खुल गया, सब दुकानें खुल गई है, तो जब आवागमन सारा प्रारंभ हो गया है, बसें आना जाना चालू हो गई है, पर लेकिन पुष्कर की स्थिति ऐसी है कि जब तक आप मंदिरों को नहीं खोलेंगे तब तक वहाँ टूरिस्ट कैसे आएगा। पुष्कर ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर सरोवर, पुष्कर के मंदिर, पुष्कर के 25,000 लोगों की लाइफलाइन है, और लाइफलाइन यदि नहीं चलेगी आगे और आर्थिक चक्र नहीं चलेगा तो लोगों के लिए जीने का संकट आ जाएगा। जीना सब चाहते हैं कि जो आज मेडिकल साइंस जिस प्रकार से कोरोना का मुकाबला कर रहा है, पर लेकिन भारतीय संस्कृति और दर्शन में आस्था और विश्वास को भी कोई जगह है। सब लोग जब दुखी और विपदा में होते हैं तो सब लोग ईश्वर के चरणों में जाना चाहते हैं, भगवान के नज़दीक जाना चाहते हैं, उन्हें ही अपनी बात कहना चाहते हैं। तो दुआ भी कोई बात होती है, दवा तो काम करेगी पर दुआ भी काम करेगी। तो पुष्कर की परिस्थितियों को देखते हुए पुष्कर को एक मॉडल आदर्श परिस्थितियाँ बना के और पुष्कर को एक इस प्रकार से वहाँ ब्रह्मा मंदिर खोलना चाहिए या और मंदिर खोलने चाहिए कि पुष्कर एक छोटी सी जगह है और वहाँ जो यात्री लगता कि अगर अभी जल्दबाजी की तो भारी पड़ सकती है। जल्दबाजी कहीं भी, आज जैसे आपने जल्दबाजी, पूरे देश ने लॉकडाउन खोल के ट्रेनें प्रारंभ कर दी है, बसें प्रारंभ कर दी है, हवाई जहाज प्रारंभ कर दिया है, पर लेकिन आखिर कोरोना के साथ जीने की आदत सबको डालनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग से जितना गाइडलाइन गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार, जिला प्रशासन, जैसे आखिर में मुख्यमंत्री जी ने ये बताया कि ये सारा, आज जो उन्होंने हमारी सारी बात सुनी उसके बाद में उन्होंने जिला प्रशासन पे ये बात छोड़ी है कि जिला लेवल पे जहाँ जैसी परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ और आर्थिक परिस्थितियाँ होगी उस अनुसार निर्णय लेके और मंदिर या मस्जिद खोले जाएंगे। और ये खोलना जरूरी है क्योंकि देश में आपने सब चीज़ें खोल दी है, तो मंदिर भी एक आस्था और विश्वास का केंद्र है जहाँ लोग अपनी प्रार्थना करके और ये भगवान को मना के। मैं अरुण पारेसर, सचिव श्री ब्रह्मा गायत्री तीर्थ विकास संस्थान सिंह थी, उसमें मैंने अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख दीवान से जनरल आबिदीन साहब के ब्याह पे अपने सुझाव रखे। अजमेर से मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करने का दो जनों को मौका मिला, जिसमें मैं था और हमारे पुष्कर के गोविंद भाई थे। हमें यह मौका मिला कि मुख्यमंत्री जी से हमने सीधे संवाद किया। हमने अपना सुझाव यही दिया कि पिछले 3 महीने से, लगभग 3 महीने से लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत करी है, हर तरह की कुर्बानी दी है, राज्य सरकारों ने भी पूरी एकदम अपना पूरा सब कुछ ताकत झोंक दी कि इस बीमारी को रोका जा सके और हम कामयाब हुए। आज राजस्थान पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अव्वल नंबर पर है। तो वो कुर्बानियाँ, वो मेहनत ज़ाया ना हो, उसको देखते हुए देखिए कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना हो जाए, ये तय किया गया। जो भी सही सी बात है, सब चाहते हैं, सबके दिलों में ख्वाहिश है कि धार्मिक स्थल खुलें, लेकिन 90% जो सुझाव 99% जो सुझाव आए हैं सब लगे थे, उसमें फीडबैक यही है कि इसके लिए पूरी एक कार्य योजना बनाई जाए, पेपर वर्क करा जाए कि किस तरीके से दर्शन किए जाएंगे, किस तरीके से ज़ियारत की जाएगी, किस तरीके से इन आउट होगा उसके लिए, क्योंकि हर दरगाहों का, हर मंदिरों का सिस्टम बिल्कुल अलग अलग है। तो एक जिला स्तर पर कमेटियाँ बना दी जाए जिसमें जिला कलेक्टर साहब हों, सुपरिटेंडेंट पुलिस भी हों, और हर इंस्टीट्यूशन, हर धार्मिक स्थल के जो इंटरनल बॉडीज़ हैं, जो ट्रस्ट हैं, उनके नुमाइंदों को उसमें रखा जाए। उसके बाद में वो जो इंटरनल बॉडी, इंटरनल ट्रस्ट हैं, जो दरगाहों के हों चाहे मंदिरों के हों, वो एक पेपर वर्क करके प्रपोजल कलेक्टर महोदय को दें, कलेक्टर महोदय उसको अप्रूवल करें और उसके अकॉर्डिंग ही दरगाहों को और मंदिरों को, मस्जिदों को खोला जाए। ये हमने सुझाव दिया। अंतिम में जो मुख्यमंत्री जी ने जो संबोधन अपना दिया है, लास्ट संबोधन जो क्लोजिंग उन्होंने अब स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने हमारे सुझाव को रिपीट भी करा है कि जिला स्तर पर कमेटियाँ बना करके इस तरह की योजना बनाई जाए जिसमें दरगाहों, मंदिरों में कैसे आना जाना होगा, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखी जाएगी, कैसे हम इस संक्रमण से बचें कि पब्लिक एकदम से ना आ जाए और दावत देकर संक्रमण को बुला लें, वो कुरियर बन के आ जाएँ। इसके लिए पूरी पेपर वर्क करके
जो भी अब गाइडलाइन आती है हमने सुझाव दे दिए हैं, आगे जो भी मुख्यमंत्री जी की गाइडलाइन होगी उसके हम पूरा फॉलो करेंगे। अब तक धर्मगुरुओं ने पूरा साथ दिया है, दरगाह कमेटी ने, दोनों अंजुमन खुद्दाम साहिबान ने, दीवान साहब ने, हमने दरगाह की तरफ से पूरा समर्थन हमारा जिला प्रशासन को रहा है, राज्य सरकारों को रहा है, आगे भी रहेगा, जो उनका निर्णय होगा उसकी पालना की जाएगी। के बाद में सबका तकरीबन 90% धर्मगुरु जितने भी थे, जितने भी धार्मिक स्थल थे, उन लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि लॉकडाउन को अभी बरकरार रखना चाहिए 30 जून तक। कुछ लोगों ने ये कहा कि जैसी भौगोलिक स्थिति है, जहाँ की जहाँ जितनी कैपेसिटी हो उसके मुताबिक वहाँ पर रियायतें दी जाए, तो उसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई। लिहाजा आखिर में ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर सहमति जताई कि जो ज़िला प्रशासन के लोग हैं, ज़िला प्रशासन अपने अपने ज़िले में जो भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ के लिए गाइडलाइन तैयार करेगा, और तैयार करने के बाद में उसके मुताबिक ही धार्मिक स्थल के अंदर जो कुछ भी रद्दोबदल होगा, चेंजिंग होगी, जो भी प्रतिक्रिया होगी उसके मुताबिक होगी। तो ये तमाम बातें हुई, और उसके बाद में सबका शुक्रिया अदा किया उन्होंने, और उम्मीद ये है कि ये 30 जून तक तो कम से कम लॉकडाउन इसी तरीके से बना रहेगा, धार्मिक स्थल की जो आज स्थिति है वो स्थिति इसी तरीके से मेंटेन रहेगी। 30 जून के बाद में फिर क्या बनता है उसके मुताबिक जैसी भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जो भी गाइडलाइन आएगी और ज़िला प्रशासन जो अपने यहाँ से भेजेंगे अपने सुझाव, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे और जो भी गाइडलाइन देंगे उसके ऊपर अमल किया जाएगा। ऐसी तमाम 2 घंटे 2.5 घंटे तक चली और इसके साथ में ये वार्ता खत्म हुई। तीर्थ गुरु पुष्कर राज की प्रार्थना की हमने कि भारत, राजस्थान और तमाम दुनिया में कोरोना नामक बीमारी का अंत हो, लोग अपना खुशहाल जीवन पुनः जीना प्रारंभ कर सके। आज मुख्यमंत्री जी ने जब हमें तीर्थ पुरोहित संघ को बुलाया तो तीर्थ पुरोहित संघ के प्रवक्ता के नाते उन्होंने हमसे कॉल किया वीसी के दौरान, और हमने उनसे आग्रह किया कि जिस तरह से दरगाह या और जो धार्मिक स्थान हैं उनमें और पुष्कर की धार्मिक नगरी के स्थान में बहुत फर्क है। पुष्कर सरोवर के चारों तरफ 52 रास्ते हैं, और ब्रह्मा जी के इकलौता जो मंदिर है पुष्कर में, उसके भी पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 रास्ते हैं। इन रास्तों से श्रद्धालु यजमान, श्रद्धालु पर्यटक पुष्कर के अंदर आराम से प्रवेश कर सकता है, निकास कर सकता है, सोशल डिस्टेंस की सरकारी और प्रशासनिक गाइडलाइन की पालना कर सकता है। हमने मुख्यमंत्री जी को बताया कि अब तक हम लोग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, उपखंड प्रशासन के साथ में मिलके पुष्कर तीर्थ नगरी को, जो होली पे हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक थे, उसके उपरांत जो पुष्कर जो पर्यटन नगरी है, तीर्थ नगरी है, वहाँ पे हमने कोरोना को प्रवेश नहीं करने दिया, संक्रमण नहीं फैलने दिया, और पुष्कर के धार्मिक लोग, पुष्कर के आम लोग आज जो अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं उसके लिए हमने प्रशासन और सरकार का धन्यवाद दिया। और हमने मांग की कि आजीविका की पटरी, आजीविका की गाड़ी पटरी पे दौड़े, चाहे वो शताब्दी की स्पीड से नहीं छुक छुक करती, धीरे धीरे ही दौड़े, लेकिन आजीविका प्रारंभ हो लोगों की, जिससे कि हमें जो है सरकार के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। क्योंकि सरकार गरीबों को, ब्राह्मणों को, सबको गेहूं दे रही है, धान दे रही है, लेकिन देनंदनी के लिए आर्थिक अर्थ भी चाहिए, नगद नारायण भी चाहिए। तो हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया तीर्थ पुरोहित संघ की तरफ से कि आपके ऊपर, सरकार के ऊपर हम भार नहीं डालना चाहते हैं, चाहे महीने भर बाद, 2 महीने बाद भी अगर मंदिरों में प्रवेश जब आप खोलेंगे तब भी यही स्थितियाँ रहेंगी। स्थितियाँ कोरोना की चेंज होने वाली नहीं है। व्यक्ति को, स्वयं को अपनी जागरूक से, सतर्कता से अपने को, समाज को बचाना है। तो उनसे हमने प्रार्थना की है कि आप जो पुष्कर में मंदिरों में यजमानों का, श्रद्धालुओं का प्रवेश की अनुमति दें, और हमने उनको आश्वस्त किया है कि तीर्थ पुरोहित संघ गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करेगा। धन्यवाद। जय पुष्कर राज की। 33 जिलों 36 जिलों के धार्मिक लोगों से संवाद करने के उपरांत ये कहा कि जैसे दरगाह के अभी हमसे पहले जो बंधु प्रतिनिधि निवेदन कर रहे थे, उन्होंने सलाह दी थी कि
हर जिला मुख्यालय पे हर जगह की जो भौगोलिक परिस्थिति मंदिरों की तीर्थों की अलग अलग है। उन्होंने कहा था कि मस्जिद और दरगाह में फ़र्क है, मस्जिद के अंदर जो है मोहल्ले के गांव के लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने, लेकिन दरगाह के अंदर देश दुनिया के लोग आते हैं, तो वो दरगाह के अलावा गाँव में भी संक्रमण फैला सकते हैं। तो उन्होंने तो विरोध किया था कि इसको जो तात्कालिक तौर पर अभी फिलहाल चालू नहीं किया जाए, बंद ही रखा जाए आवाजाही को। और उन्होंने कहा था कि कलेक्टर की अध्यक्षता में एक स्थानीय स्तर पर एक कमेटी बने, हर जिले में जिलाधीश महोदय की प्रशासन की अध्यक्षता में एक कमेटी बने जिसमें पुलिस और स्थानीय लोग, मंदिरों के लोग, ट्रस्टों के लोग हो, और वो भौगोलिक परिस्थिति स्थानीय स्तर पर निर्णय ले कि मंदिर और मस्जिद खोले जाने चाहिए या ना खोले जाने चाहिए। गोविंद परासर, तिरुपति संघ ट्रस्ट, सदस्य पुष्कर।